गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट्स अवर केमिस्ट्री क्लास 10 वीडियो पार्ट 5 एंड पार्ट 4 वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड हाउ कैन बी कंक्लूडेड दैट सम चेंजेस आर ऑकर इन विच वी कवर अवर फर्स्ट टॉपिक विच इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. हमने पढ़ा था कि इवोल्यूशन ऑफ गैस किस तरीके से होती है एंड हाउ कैन वी कंक्लूडेड दैट सम चेंजेस आर ऑकर इन इट. इन विच वी फर्स्ट स्टडी कोल कंबक्शन एंड व्हाट इज कोल. इट्स अ कार्बन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज एंड इट कैन बी डिटेक्टेड वेरी इजीली बाय यूजिंग लाइम वाटर एंड क्विक लाइम. वेन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे थ्रू द लाइम वाटर और क्विक लाइम तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व हुई है इट विल टर्न द ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन इन टू द मिल्की सॉल्यूशन. सेम ऐसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल दी मेटल एंड एसिड. वेन द मेटल इज रिएक्ट विद एसिड it will produce hydrogen gas in which we studied like zinc react with sulfuric acid. It's a zinc molecules of zinc and it placed in the dilute H2SO4 solution. So when the zinc react with sulfate ion the hydrogen gas will be evolved and produce his sound. And we can detect by taking a burning candle near to it through which it produces a pop sound. इतना हमने अपनी पार्ट 4 वीडियो में कवर कर लिया था कि किस तरीके से गैस का इवोल्यूशन होता है एंड हम उस गैस को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि विच गैस इज इवॉल्व. नेक्स्ट फिर था फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. And what is precipitate? We all know that it is an insoluble product. ये एक insoluble product है जो कि formed होता है reaction में. Like example हमने tea leaves का लिया था. When we make a tea, we put tea leaves and a sugar. But sugar जो है it get dissolved and tea leaves just give taste and color to that solution. And they act as an insoluble product. So some changes are taking place in that reaction through which it is insoluble in that solution. Okay? So, मतलब कि उसमें जो हमारे पास दो reactant हैं उनमें कोई chemical changes, chemical reaction हो रही है जिसकी वजह से जो new product formed हो रहा है it is insoluble. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल पढ़ी थी मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन की. व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ऑक्सीजन सो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज अ वाइट पाउडर. जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा वो वाइट पाउडर के में फॉर्म्ड होगा विच इज इनसॉल्युबल एंड एक्ट एज अ प्रेसिपिटेट. So some chemical reaction are taking place through which the new product formed which is a insoluble and called as a precipitate. Chemical reaction की definition क्या होती है. किसी भी new product का formation with some new properties. So एक new property क्या है ये first thing gas evolution. सेकेंड न्यू प्रॉपर्टी क्या हुई प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्म्ड होना. वो दो रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट तो फॉर्म्ड हो रहा है एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ अ इनसॉल्युबल हैविंग सम अदर प्रॉपर्टीज फ्रॉम दैट टू रिएक्टेंट. सेम एज ही एज अ पोटेशियम आयोडाइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट सो इट फॉर्म लेड आयोडाइड विच इज़ इन येलो इन कलर and is insoluble. So two types of changes are occur. First, change in the state of the color, colorless to
येलो एंड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे टू टाइप्स की. मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी रिएक्शन में इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट एवरी रिएक्शन हैव ईच चेंजेस. एवरी रिएक्शन कंटेन टू और फोर चेंजेस ऑल्सो. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड अबाउट इवोल्यूशन ऑफ गैस देर आर ऑल्सो टू टाइप ऑफ चेंजेस. हाउ? बिकॉज वेन एवर द गैस इवॉल्व द टेम्परेचर विल ऑलवेज राइज and it may be endothermic and exothermic. Endothermic and exothermic we will continue in our next class. Okay, so yahan pe bhi two changes ho rahe hain. First is change in temperature and gas evolution. There are also two changes. First is change in the color, colorless to yellow. Second one is formation of a precipitate. तो ये था प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की. जब कोई टू रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं एंड अ प्रोडक्ट इज फॉर्म विद सम न्यू प्रॉपर्टीज लाइक इट इज इनसॉल्युबल. सो वी नो दैट सम टाइप ऑफ रिएक्शन आर टेकिंग बिटवीन द रिएक्टेंट सो कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन. और रिवर्सिबल इट इज इरिवर्सिबल बिकॉज वी हम इसे अलग नहीं कर सकते. इट्स अ प्रेसिपिटेट जो टू कंपाउंड से मिलकर बना है. नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन कलर. अभी हमने एग्जांपल ली थी पोटेशियम आयोडाइड एंड वहाँ पे भी चेंज ऑफ कलर जो है एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व हो रहा था इन द रिएक्शन. सेम लाइक जैसे आपने अगर इफ़ यू एवर स्टडीड अबाउट स्टैचू ऑफ लिबर्टी. स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज मेड अप ऑफ कॉपर. जो उसकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आउटर कवरिंग है इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड स्टूडेंट आपको पता है कि इट इज़ जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर है वो ब्राउन है बट इट सीम्स ग्रीन. यू एवर सीन इट इज़ इन अ ग्रीन कलर? वाई? बिकॉज जो आउटर कवरिंग है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वो कॉपर से मिली. It is made up of copper. So when the copper oxidized with air, it forms copper oxide and the color changes from brown to green. So change in the color observed because the covering of the Statue of Liberty is a metal and it react with air which is oxygen. So a change in the state observed, it is type of a chemical reaction due to which the color changes brown to green. Same rusting of iron. Iron is what? Like nail, anything which made up of iron and it's denoted with Fe. It's a copper sulfate solution which is in blue color. Here is a test tube where iron nail is put in it and it contains copper sulfate solution which is in blue color. After reacting, the iron displaces the copper. It forms ferric sulfate which turns the color into green and copper will remove out. So change in the color takes place same as a Statue of Liberty and rusting of iron from brown to brownish which is also called as the corrosion. ये example से change in the color के हमें color पे जब change आता है तो there are some chemical reaction are taking place like citric acid. Citric acid is the formula of the lemon juice or called as the chemical name of the lemon juice which is C6H8O7 and when it reacts with KMnO4 which is purple in color and called as potassium permanganate and जब आप इन दो solution को shake करोगे then the solution changes its color to colorless purple to colorless.
एंड अ न्यू प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इज परमैंगनीज एसिड विच इज HMnO4. सो द कलर कॉज ऑफ द पोटेशियम. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ केमिकल चेंज ऑल्सो. So students, we observe some types of chemical changes like evolution of gas, then we studied precipitation and change in color. आपको definition remember करनी है कि what is the definition of chemical reaction. First that it is an irreversible change or a permanent change. जितने भी changes हो रहे हैं, the changes we are observing, they are all permanent change. And with some new properties they are formed, like a precipitate product. में precipitate product हमें क्या कैसा अपेयर हो रहा है, एज अ प्रेसिपिटेट विच हैविंग अ न्यू प्रॉपर्टी. चेंज इन कलर लाइक ब्राउन टू ग्रीन एज सेम एज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू चेंज इन अ स्टेट कि हाउ अ चेंज इन अ स्टेट टेक प्लेस like burning of candle is a wax and jo thread hota hai candle ka, it's a chemical change because the wax hai, it is solid and when it heats it changes into a liquid. When the temperature cools down it's again converted into the solid. So it's a physical change. Wax is a reversible, it's a फिजिकल चेंज. नेक्स्ट केमिकल चेंज क्या हुआ, जो थ्रेड बर्न हो रहा है वी कांट ऑब्टेन दैट थ्रेड अगेन. सो इट इज़ इररिवर्सिबल एंड द चेंज इन द स्टेट ऑकर्स. सो इन बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ चेंजेस आर ऑकर. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अवर फिफ्थ टॉपिक चेंज इन द टेम्परेचर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर अवर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑल्सो लाइक एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. Okay?